लुधियाना में व्यापारियों से मिले अरविंद केजरीवाल और सीएम मान, कई राहतों का किया ऐलान। जी हां, आपको बता दें कि लुधियाना के होटल रेडिसन ब्लू में सरकार व्यापार मिलनी का आयोजन किया गया। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल और पंजाब सीएम भगवंत मान ने बजट से पहले उद्योग जगत को कई राहत देने का ऐलान किया। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि पंजाब में सुधार हो रहा है, 75 साल की गंदगी को दूर करने में वक्त लगेगा। सूबे में शानदार मोहल्ला क्लिनिक बन रहे हैं, अब तक 829 मोहल्ला क्लिनिक बने हैं। इसके अलावा उम्दा स्कूल बन रहे हैं, अब पंजाब के सरकारी अस्पताल भी बेहतर किए जाएंगे। सरकारी स्कूल और अस्पतालों को बदल रही है, रोजगार देना हमारी सरकार की प्राथमिकता है। छोटे एवं मध्यम कारोबार को बढ़ावा देकर रोजगार दिया जा सकता है। 2 साल में 65,000 करोड़ के निवेश समझौते हुए हैं। अभी तक सरकारें व्यापारी को चोर मानती थी, चुनाव के वक्त चंदा लेने आते थे, किसी सरकार ने ऐसी मिलनी नहीं की थी। इंडस्ट्री बढ़ेगी तो टैक्स बढ़ेगा, सूबा तरक्की करेगा, सरकार की नीयत साफ है, ऐसी मिलनी आगे भी होती रहेगी। देश में गैर भाजपा सरकारों को काम करने से रोका जा रहा है, नोबेल पुरस्कार मिलना चाहिए मुझे कि कैसे इनसे लड़ रहा हूं। 26 जनवरी को पंजाब की झांकी केंद्र में नहीं लगनी थी, झांकी पर भगत सिंह की फोटो थी, ये पंजाब का अपमान है। 13 सांसद दे दो तो केंद्र की मजाल नहीं है कि पंजाब की झांकी को रोक ले। पंजाब को खुशहाल करने के लिए हमें 13 सीटें चाहिए। सीएम भगवंत मान ने कहा कि इंडस्ट्री पंजाब की रीढ़ है, इंडस्ट्री की सभी समस्याएं हल की जा रही हैं। राजनीतिक दलों ने 2022 में ही झाड़ू छोड़ घरों में पोछा रख लिया, उनको झाड़ू से दिक्कत है। पंजाब के मुख्य सचिव अनुराग वर्मा ने जानकारी दी कि वेट की ओटीएस को वित्त वर्ष 2016-17 पर भी लागू होगी, असेसमेंट के बाद ICFH फॉर्म भी मान्य होंगे। इस खबर को देखकर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। न्यूज डेस्क से प्रिया।